गाइस बात करने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में। आज का बजट सेशन ट्रेडिंग डे था और दोस्तों कहां पर प्रॉफिट किया, कहां पर लॉस किया और आज के ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं। और जब कभी फ्यूचर में ऐसा ट्रेडिंग सेशन डे आता है तब आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या माइंडसेट होनी चाहिए और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए जब भी बजट आता है तब आपका, तो इस वीडियो में आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैंने आज के दिन भी निफ्टी में ही ट्रेड किया, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है और निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे मार्केट आज के दिन क्या ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे सडनली वन वे यहां पर डाउन साइड आया, यहां पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों वन वे डाउन साइड आया और डाउन साइड आकर फोर अपना जो लेवल है 420 का उस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट एक बार वन वे वापस अपसाइड में गया। उसके बाद दोस्तों 11 बजे से बजट सेशन चला तो बजट सेशन के अंदर काफी ज्यादा मोमेंटम करता है मार्केट और दोस्तों क्यों मोमेंटम करता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ट्रेड दोस्तों अपना बनाया था हमने यहाँ पर मॉर्निंग के 5 मिनट की कैंडल के अंदर अपन यहाँ पर एक पुट बनाते थे, बट दोस्तों गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखेंगे 580 के आसपास ओपन हुआ और वहीं से देखेंगे 580 से देखेंगे एक डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और डाउन साइड से ही मार्केट देखने को मिला है। अपना सबसे पहला जो ट्रेड बना था इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर हमने पहला ट्रेड बनाया था। इस कैंडल में हालांकि काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, जैसे ये 9 EMA और 20 EMA के नीचे क्लोजिंग के आसपास गई और 500 का जो लेवल था राउंड लेवल था इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, बट यहाँ पर ये वापस एक हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल बनने के बाद दोस्तों ये नेक्स्ट कैंडल बनी थी, एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम भी दे रही थी, बट सडनली मार्केट डाउन साइड आया, जो अपना कोस्ट को ट्रेलिंग SL था वो लेके चला गया। आई थिंक इसमें 2400 से लेके 2700 रुपए का कुछ प्रॉफिट बुक हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट इसमें बुक नहीं हुआ है, 2400 रुपए या 2700 रुपए इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है। उसके बाद मैंने वेट किया, कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड लेना प्रेफर नहीं किया। उसके बाद दोस्तों अपने 920 EMA वाली स्ट्रेटजी फॉलो करी और उस स्ट्रेटजी से एक ट्रेड मिला और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। मैंने उस 9 EMA और 20 EMA को यहाँ पर प्लॉट कर रखा है और 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी में आपको बता रखा है मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे और डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, डाउन साइड में आया और 9 EMA 20 EMA को ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहले ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड नहीं करते हैं, उसके बाद दोस्तों रीटेस्ट होता है या फिर वापस ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन देता है तो अपन यहां पर ट्रेड करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया है उसमें ऑलरेडी आपको बताया है अगर ब्रेकआउट के बाद वापस 9 EMA 20 EMA को रीटेस्ट करता है तो अपन यहां पर ट्रेड करेंगे। और दोस्तों यहां पर देखेंगे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट वाली कैंडल का लो क्रॉस किया इस कैंडल ने और यहां पर अपना ट्रेड बना और दोस्तों यहां पर वन वे यहां पर अपने को 420 के आसपास का प्रॉफिट मिला और इसी कैंडल के अंदर हमने 9-2-11 हो गए एग्जिट करके। तो ये चीज होती है आपके डिसिप्लिन की, आपकी साइकोलॉजी की और आपके माइंडसेट की। अगर मैं यहां पर नहीं खड़ा रहता, मान लीजिए अगर मैं यहां तक नहीं खड़ा रहता तो यहां पर पुट के अंदर मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता और इस पुट के अंदर मैंने प्रॉफिट मेरा 85-87,000 के आसपास प्रॉफिट शो हो रहा था इसके अंदर ओनली 1800 क्वांटिटी के अंदर और काफी गजब का प्रॉफिट था। बट दोस्तों जो मेरा ट्रेलिंग SL था हिट हो चुका, मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट लास्ट जो टोटल प्रॉफिट आज के दिन हुआ है वो प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर 61,000 प्लस का प्रॉफिट देखने को मिला है आज के दिन। टोटल प्रॉफिट 61,000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। और दोस्तों आज के दिन दो ट्रेड किए, दो ट्रेड करने का रीजन यही है कि पहला ट्रेड अपना यहाँ पर पहले 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटजी बनती है तो वो करते हैं, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर जो अपने 920 की स्ट्रेटजी बनी तो वो यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और एक अच्छा मोमेंटम मिला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वापस देखेंगे मार्केट, मैंने यहाँ पर वेट किया, सडनली ऐसा नहीं कि पुट में डाल के यहाँ पर हैमर बनी इसका हाई निकलते कॉल में घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना रहेगा। जैसे ही मार्केट को ऑब्जर्व किया दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 11 बजे के बाद के ये जो सडनली स्पाइक मोमेंटम है, ये मोमेंटम इतने भयंकर होते हैं कि आपकी सारी कैपिटल जीरो कर देंगे। और दोस्तों ये जो
मूव्स आते हैं, ये बिग प्लेयर जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, जब मार्केट में स्पीच चल रही होती है, जैसे जो हमारे निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच चल रही है और उस स्पीच के बीच में जो भी बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा डालते हैं स्टॉक के अंदर, मार्केट को अपसाइड या फिर डाउन साइड लेके जाते हैं, अपनी पोजिशन बनाते हैं और फिर वो पैसा डालते हैं ऑप्शन के अंदर। पहले अपनी पोजिशन बनाते हैं वो, फिर वो किसी स्टॉक में या फिर एक साथ क्वान्टिटी में पैसा डालते हैं और दोस्तों मार्केट को मोमेंटम करवाते हैं। इसी रीजन से यहां पर जिस सेक्टर में अच्छा कर रहा होता है मार्केट, उस जिस सेक्टर के लिए अच्छा होता है बजट, उस सेक्टर में पैसा डाल के उसको पंप डंप करते हैं मार्केट में, तो ये चीज सारी होती है। और दोस्तों ये एफआईज और डीआईज दोनों मिलके करते हैं, एफआईज के बाद नो डाउट काफी ज्यादा पैसा है और डीआई के पास भी काफी ज्यादा पैसा है, तो ये सभी जो बिग प्लेयर होते हैं जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं वो ये सारे मूव्स करते हैं। और दोस्तों आज के लिए अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट के अंदर, आज के दिन ही नहीं, अगर कल के दिन की अगर मैं बताऊंगा तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल जाएगी जिसमें दोस्तों एक ही कैंडल के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, जैसे कल के दिन देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर देखेंगे मार्केट ओपनिंग के बाद, तो मार्केट में कभी कभी ये जो कैंडल्स बनती है ये अनसर्टेनिटी लेके आती है मार्केट में, और दोस्तों इस वजह से मार्केट में लॉसेस बहुत ही तेजी से होते हैं। तो अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों सारी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको इन डीपली जानना है कि कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे ट्रेड करना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, कैसे मनी को मैनेज करना है, सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को सिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जाके ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है हमारे प्रीमियम मेंबर ग्रुप से। उसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। बाकी दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वहां पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।